नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देर शाम अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को जनता दरबार के उपरांत दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट जी के गुप्ता एवं दिवंगत संतराज गोरखपुरी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग ग्रुप बनाकर हथियार खरीदने बेचने वाले तीन अभियुक्तों जय हिंद मेहताब उर्फ नायक खान और मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ मच्छर उर्फ छोटे को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीन अवैध देसी तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल किया बरामद। सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस, जल्द होगा बड़ा खुलासा। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में बढ़ते ठंड व शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने LKG से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद करने का दिया निर्देश। पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल व प्री बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक विद्यालय। DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने दी जानकारी। बुधवार को प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा गोरखपुर महोत्सव का होगा शुभारंभ। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बॉलीवुड नाइट में शमा बांधेंगे कैलाश खेर व सोनू निगम। 90% स्थानीय कलाकारों को दिया गया है मौका। ZDA उपाध्यक्ष गोरखपुर महोत्सव समिति के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ADG जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए आतंकी हमलों से निपटने के लिए ATS के साथ किया अभ्यास। SP सिटी ने कहा खिचड़ी मेला करवाया जाएगा सकुशल संपन्न। 5 QRT टीम PAC व बाहरी जिलों के फोर्स की भी लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 5वें दिन 7 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर किया नामांकन। एक ने लिया पर्चा। अभी तक 32 प्रत्याशियों ने लिया है पर्चा। 11 प्रत्याशियों ने 15 सेट में किया नामांकन। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्चों की जांच। 16 जनवरी को होगा नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा मल्टी लेवल सिक्योरिटी का किया गया है अरेंजमेंट। 2 एडिशनल SP, 5 CO, 24 इंस्पेक्टर, 70 दरोगा, 200 सिपाही, 1 कंपनी PAC की लगाई गई है ड्यूटी। ड्रोन कैमरे से पूरे महोत्सव की होगी निगरानी। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव में आने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। एक 1024 जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगवाया गया CCTV कैमरा। आगे भी कैमरा लगाने का अभियान है जारी। DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय हाफ मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में रंजीत कुमार पचेल गोरखपुर एवं महिला वर्ग में कुमारी तामसी सिंह मिर्जापुर बनी विजेता। दिव्यांगजन ट्राई साइकिल रेस में राकेश कुमार बने विजेता। मंगलवार को भी जनपद में सड़कों पर बनी हुई है शीतलहर व ठंड। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा 12 जनवरी तक ऐसे ही बना रहेगा ठंड। जिला प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों में वितरित किया जा रहा है कंबल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की देर शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ का पूजन अर्चन किया। उसके बाद मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया।
समुचे मंदिर परिसर व मेला परिसर का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने हर एक व्यवस्था की जानकारी ली और संबंधित जिम्मेदारों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सहूलियत व सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार रात अचानक लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ के समाधि स्थल पर शीश नवाने के बाद उन्होंने खिचड़ी मेले की तैयारियों की जानकारी ली। मंदिर के मेला परिसर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने दर्शनार्थी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बैरिकेडिंग को देखा और जरूरी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मंदिर भवन के उच्च स्थानों पर सफाई को लेकर भी हिदायत दी। समूचे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री मेला परिसर भी पहुंचे। यहां भी उन्होंने सभी व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा व सहूलियत का ध्यान रखना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों में पर्याप्त बेड, कंबल आदि व्यवस्था करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में अलाव भी जलाया जाए। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। बुधवार को जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। उसके बाद सुबह सीएम योगी दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट डीके गुप्ता एवं दिवंगत संतराज गोरखपुरी के परिजनों से मुलाकात कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पाइप वगैरह क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे? जाएगा कल जाएगा, यहाँ भी बाकी यहाँ बांधा जाएगा, बाकी तो यहाँ अच्छा ये हो गया। यहाँ कोई दोस्त ये तो ये बंधेगा, ये बंधेगा। यहाँ पे क्या क्या यहाँ व्यवस्था दी गई है? फोटो नहीं आ रहा हाँ। जहां पूरी दुनिया ग्लोबल होती जा रही है, वहीं पर तकनीक का सहारा लेकर अपराधी जरायम के लिए हथियार खरीद और बेच रहे हैं। गोला पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो व्हाट्सएप के जरिए से हथियार खरीद फरोख्त के धंधे में लगे हुए थे। इनके पास से 3 अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जय हिंद पुत्र परशुराम निवासी ग्राम विमटी थाना गोला जनपद गोरखपुर, दूसरा महताब उर्फ नायक खान पुत्र मिर्जा, तीसरा मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ मच्छर उर्फ छोटे पुत्र खुर्शीद अली निवासीगढ़ ग्राम परसा उर्फ अगलहवा थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल को बरामद किया गया है। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक व्हाट्सएप पर अलग अलग ग्रुप बनाकर हथियार खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे थे। इनके व्हाट्सएप ग्रुप के नाम भी आपराधिक नामों से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई सदस्य भी थे। इस ग्रुप में अवैध हथियारों की तस्वीरें डालकर प्रचार प्रसार किया जाता था। इन्हीं तस्वीरों से सुराग लगाकर गोला पुलिस ने 3 अभियुक्त जय हिंद, महताब उर्फ नायक खान, मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ मच्छर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 3 अवैध तमंचा व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस अब उन लोगों की तलाश में जुटी है जो इन लोगों को हथियार सप्लाई करते थे। पुलिस अब सप्लायर की तलाश में लगी हुई है। बहुत जल्द इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाने के उप निरीक्षक जयराम यादव, अजय कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज चौरसिया, कांस्टेबल सोनू यादव, हिरन यादव, मृत्युंजय यादव, अनिकेत यादव, सत्येंद्र भास्कर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, जी
एक असलहा खरीदने वाले लोग पकड़े गए थे बेलघाट क्षेत्र। वस्तुतः तो वो घटना प्रकाश में आई थी कि मुखबिर ने बताया था कि राघवेंद्र उर्फ बल्लू यादव हैं, अगर इन्हें आप पकड़ लेंगे तो इनके मोबाइल में तमाम असलहों के फोटोग्राफ्स मिलेंगे। उसी आधार पर फिर उनसे पूछताछ हुई तो दो आदमियों से असलहे बरामद हुए थे, लेकिन राघवेंद्र ने अगला पॉइंट एक जय हिंद निषाद बताया था जो गोला क्षेत्र का रहने वाला है। गोला पुलिस उसके पीछे लगी थी। जय हिंद की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फोन में 6-7 ग्रुप ऐसे मिले जिनके बारे में उन्होंने बताया कि ये सभी मनबढ़ आपराधिक किस्म के लोगों के गिरोह हैं और ये सभी असलहे खरीद फरोख्त में या ले करके चलने में, दादागिरी करने में अपनी बहादुरी समझते हैं। इस आधार पर जय हिंद के पास से एक असलहा बरामद हुआ और जय हिंद ने ही जो नाम बताए थे उन नाम में से दो लोग हमारे हाथ लगे, महताब और मोहम्मद अख्तर रजा, इनके पास से भी एक एक असलहा बरामद हुआ। जो इनका ग्रुप है उस ग्रुप में देवा, महाकाल, गैंगस्टर, डी कंपनी, AK-47, गुंडों का ग्रुप, MK के लिए क्या होता है, इस तरह के ग्रुप हैं। और जिसमें एक ग्रुप में तो कोई नंबर नहीं केवल एक है, बल्कि किसी में 5, किसी में 15, किसी में 22, 50 से ज़्यादा भी मेंबर्स हैं। पूछताछ में ये पता चला है कि इनका कोई व्यक्ति उज्जैन में है, व्हाट्सएप पे उसी से ये सब चीज़ें संपर्क करते हैं, कन्वर्सेशन होता है और फिर वो किसी माध्यम से जिसकी इच्छा होती है उसके तक डिलीवरी करता है। डिलीवरी पॉइंट भी उन्होंने पड़ोस के एक जनपद में ही बताया जो हमारे बॉर्डर पे है। हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि अगर डिलीवरी पॉइंट वाला व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ में हो सकता है कि उसने कहां कहां डिलीवर किया है। एक तरह से ये ADG महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा ऑपरेशन तमंचा 2, उसकी कड़ी में मोबाइल में फोटोग्राफ्स की सूचना के आधार पर हमने प्रयास किया तो पहली बार में 2 तमंचे बरामद हुए हैं और उनसे जब जिस व्यक्ति का नाम मिला उससे भी एक बरामद हुआ और उसने जिन लोगों के नाम बताए उसमें से 2 लोग हमारे हाथ लगे, उनसे भी 2 बरामद हुए। तो अब तक 5 तमंचों की बरामदगी हो चुकी है, लेकिन हमें कुछ मोबाइल नंबर्स और कुछ लोगों की जानकारी और हो गई है जिनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है, ताकि कम से कम क्षेत्र में जो इस तरह के असलहे आए हैं, जिसके से इसके माध्यम से भी आए हैं, वो हमारे हाथ लग जाए ताकि आगे आने वाली कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए। चूंकि उसमें नंबर्स हैं तो इस पे हम अपना सर्विलांस के माध्यम से और काम करेंगे। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बढ़ते ठंड व शीतलहर को देखते हुए LKG से कक्षा 12 तक के सभी प्रकार के विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है, जिसके संबंध में DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को देखते हुए गोरखपुर में संचालित बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा LKG से कक्षा 12 तक के संचालित परिषदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं मदरसा, CBSE, ICSE बोर्ड के सभी विद्यालयों को 14 जनवरी तक शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा तथा जिन विद्यालयों में पूर्व निर्धारित प्रैक्टिकल एवं प्री बोर्ड सुबह 10 बजे से 2 बजे तक है कराया जा सकता है। इस तरह मौसम ठीक रहा तो 16 जनवरी को विद्यालयों के खुलने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, जिला विधानसभा गोरखपुर। जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में 14 जनवरी तक जो विद्यालय हैं बंद रहेंगे, केवल प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा के और प्री बोर्ड उनके लिए 10 से 2 तक विद्यालय खुले रहेंगे।
गोरखपुर महोत्सव को लेकर जीडीए उपाध्यक्ष महोत्सव समिति के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कमिश्नरी सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि चंपा देवी पार्क में 11 जनवरी को 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज होगा, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा किया जाएगा। कोरोना की वजह से 2 साल से गोरखपुर महोत्सव नहीं हो पा रहा था, इस बार कड़ाके की ठंड में भी गोरखपुर महोत्सव में गोरखपुर के लोगों का उत्साह देखने को मिलेगा। बॉलीवुड नाइट में पार्श्व गायक पद्मश्री कैलाश खेर और सोनू निगम सुरों की महफिल सजाएंगे। इसके अलावा अनेक लोक नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां भी होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में 90% स्थानीय और 10% बाहरी कलाकारों को मौका दिया गया है। कुल 200 कलाकार 3 दिन में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजन में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ स्कूली बच्चों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। वहीं बॉलीवुड नाइट में बॉलीवुड के कलाकार समा बांधेंगे। इसके अलावा मुख्य मंच के समक्ष 2500 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही 225 स्टॉल लगेंगे, 50 स्टॉल कमर्शियल होंगे, 20 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे, ड्रोन से निगरानी भी होगी। 11 जनवरी को क्लासिकल डांसर नेहा बनर्जी की प्रस्तुति होगी। 2:30 पर सबरंग का आयोजन होगा। शाम 6 बजे अमन त्रिखा बॉलीवुड नाइट और शाम 7 बजे कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। 12 जनवरी को सुबह 11 बजे टैलेंट हंट गायन और नृत्य की प्रस्तुति होगी। 1:30 लोक रंग का आयोजन होगा। शाम 6 बजे बॉलीवुड नाइट में अर्षित त्रिपाठी और शाम 7:30 भोजपुरी नाइट में पद्मश्री मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति होगी। 13 जनवरी को सुबह 10 बजे स्कूल कॉम्पिटिशन गायन और नृत्य की प्रस्तुति होगी। 12 बजे से लोक रंग, 3:00 अग्निहोत्री बंधु भजन से लोगों का दिल जीतेंगे। शाम 7 बजे बॉलीवुड नाइट में सोनू निगम सुरों की महफिल सजाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष गोरखपुर समिति के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरखपुर महोत्सव समिति की तरफ से नोडल अधिकारी होने के नाते मैं आप सभी का सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो हमारे सारे जो मीडिया बनते हैं, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों ने 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक गोरखपुर महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें 11 से लेकर 13 तक विभिन्न कार्यक्रम सांस्कृतिक, 17 तारीख तक शिल्प मेला जो है वो कंटिन्यू रहेगा और तमाम तरह की एक्टिविटीज उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। इसमें मैं मुख्य रूप से अगर कहूँ तो हमारा पूरा फोकस ये है कि शहर में सांस्कृतिक रूप से कला के क्षेत्र में हम लोग कैसे अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में वहाँ पे आए। मुझे लगता है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी जब होती है तो एक समाज में जो है वो पूर्ण रूप से जो एक सामूहिक विकास जो होता है उसको बढ़ावा मिलता है। और इसके मैं आप सबके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 11 तारीख को इसका जो मंत्रालय के द्वारा जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा सुबह 11 बजे चंपा देवी पार्क, इसका वेन्यू रहेगा और उसके बाद में बाकी कार्यक्रम जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। 11 तारीख को जो पहली जो नाइट रहेगी, जो बड़ी नाइट लास्ट नाइट रहेगी, वो इवनिंग को अपना प्रस्तुति जो है वो प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद 12 तारीख को जो मुख्य रूप से भोजपुरी नाइट और माननीय अवस्थी मैडम जी अपनी कला को के माध्यम से हम सबको जो है सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और समिति के नोडल अधिकारी के रूप में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि गोरखपुर महोत्सव जो है वो 11 से लेकर 17 तारीख तक एक इवेंट रहेगा, लेकिन जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी जो चीज़ें वो 11 से लेकर 13 तक रहेंगे। उसके बाद शिल्प मेला जो है वो कंटिन्यू रहेगा 17 तारीख तक। इसका जो उद्घाटन है वो कल 11 बजे चंपा देवी पार्क में माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जो समापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 13 तारीख को किया जाएगा। कुल मिला के इसमें 200 से ज़्यादा कलाकार शिरकत करेंगे, जिसमें से लगभग 180 कलाकार जो हैं वो स्थानीय कलाकार रहेंगे और लगभग 10 कलाकार जो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर रहेंगे और लगभग 10 कलाकार ऐसे हैं जो गोरखपुर के बाहर लेकिन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिला के 200 से ज़्यादा के आसपास कलाकार इसमें शिरकत करेंगे। बॉलीवुड नाइट का भी आयोजन है तो कौन कौन से गायक और कलाकार? मुख्य रूप से 11 तारीख को जो है हमारे साथ में जुड़ेंगे
जुड़ेंगे जो पद्मश्री कैलाश खेर जी जुड़ेंगे, और 13 तारीख को जो है सोनू निगम जी जुड़ेंगे, और बीच में जो है दो कलाकार और हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें एक अमन त्रिखा हैं और एक जो है असित त्रिपाठी हैं। इसके लिए एक हम लोगों ने समिति बनाई थी, जिसमें यहाँ के जो लोग हैं उसकी एक लोकल कमेटी हम लोगों ने बनाई, और सब लोगों ने अपने जो जो प्रोफाइल्स हैं वो सबमिट किए। उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज डेवलप की, जिसमें कुछ उदयमान कलाकार हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया, जो स्थापित कलाकार हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया। इस प्रकार लगभग 180 कलाकारों को इसमें चिन्हित किया गया, जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अपने अपने जो उनके जो टैलेंट हैं उसको प्रदर्शित करेंगे। सर बंधु भी आ रहे हैं अग्निहोत्री जी, उनको भी हम लोगों ने रखा है, एक भजन संध्या जो है अग्निहोत्री बंधु के माध्यम से रखा गया है, और माननीय अवस्थी मैडम जो है वो भोजपुरी जो इवनिंग है 12 तारीख की उसमें मैडम रहेंगी। सर गोरखपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, और जो 3 दिन का कार्यक्रम है उस समय किस तरह से लोग शामिल हों? देखिए, मैं सभी गोरखपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी तरफ से जो पूरी समिति है गोरखपुर महोत्सव की, इसकी तरफ से मैं आप सबको अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार के साथ में अपने बच्चों के साथ में आप वहाँ पे आएँ, और वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं उससे पूरा शहर आपस में मिलता है, जुड़ता है, और जो सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में जो हम लोग अपने आप को मैच्योर करते हैं उसमें आपको अहम योगदान मिलेगा, और बच्चे काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलेगा, और इस तरह से जो है एक शहर जो है वो मैच्योर होता है और आगे बढ़ता है। पूरा का पूरा जो महोत्सव है वो हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें बुक फेयर भी रखा गया है, विभागीय प्रदर्शनियाँ भी रखी गई हैं, तो आप पाएंगे कि 500 से ज़्यादा स्टॉल वहाँ पे आपको वहाँ पे लगी मिलेंगे। सर मुख्यमंत्री भी आएंगे क्या किसी भी दिन? अभी 13 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समापन समारोह की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार को आतंकी हमलों से निपटने के लिए एटीएस के साथ अभ्यास किया गया है। अभी तक जो भी आतंकी हमले हुए हैं उन सभी से सीख लेते हुए मंदिर में बम स्क्वाड टीम के साथ सभी जरूरी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। प्रयास है कि खिचड़ी मेला शांतिपूर्वक सम्पन्न हो। उन्होंने कहा कि खिचड़ी मेला में 5 QRT टीम को लगाया गया है। इसके अलावा PSC की कई कंपनी व जोन के अन्य जिलों से भी फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि मंदिर में मकर संक्रांति के दिन देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं, जिनके वाहनों की पार्किंग के लिए 15 जगह पार्किंग बनाया गया है, तथा मंदिर में विभिन्न जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को ठंड में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि हम लोगों का पूरा प्रयास है कि खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। इस अवसर पर ADG जोन अखिल कुमार, IG DIG जे रविंद्र गौर, CO मंदिर सुरक्षा अजय सिंह सहित ATS फोर्स मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखनाथ मंदिर में आज प्रातःकाल में एंटी टेरर स्क्वाड जो ATS उत्तर प्रदेश के CO और अन्य गजेटेड ऑफिसर्स के साथ ADG महोदय के उसमें निर्देशन में हमने एक प्रॉपर सिनेरियो बिल्डिंग के साथ में पूर्व में भी हुए ऐसे हमले और तमाम अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर भी पूर्व में भी जो आतंकवादी हमले उन सभी से सीख लेते हुए हमने एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट जिसमें स्नाइपर बायनोकुलर्स और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स और इस तरह की तमाम अरेंजमेंट्स हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं, और उम्मीद है कि खिचड़ी मेला है वो एकदम स्मूथ तरीके से संपन्न होगा। आज की जितनी भी व्यवस्था है उसको देख के हम संतुष्ट हैं कि हर डिपार्टमेंट, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एंटी टेरर स्क्वाड हो, चाहे वो QRTs हैं, 5 QRT उसके लिए डिप्लॉय की गई है, और मेले के लिए तमाम PSC की कंपनियाँ,
यहाँ के जितनी भी फोर्स है और जोन से भी फोर्स मिली है, यहाँ तक कि हेडक्वार्टर से भी फोर्स का डिमांड किया है। तो एक काफ़ी अच्छी फोर्स के बीच में लाखों की तादाद में खिचड़ी चढ़ाने वाले और सभी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए करीबन 15 पार्किंग्स भी आइडेंटिफाई की गई हैं। सभी पार्किंगों पर अलाव, मेले में पूरी हर जगह पर अलाव, ताकि इस ठंड में लोगों को परेशानी नहीं हो, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएँ की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आने वाले दर्शनार्थी बहुत अच्छा उनको मौका मिलेगा गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने का। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के पांचवें दिन 7 उम्मीदवारों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर नामांकन किया, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के लिए मंगलवार को एक प्रत्याशी ने पर्चा लिया है। अभी तक कुल 32 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है, जिसमें से मंगलवार को 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 11 प्रत्याशियों ने 15 नामांकन किया है, जो कि 12 जनवरी तक चलेगा और 13 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 16 जनवरी तक नाम वापसी होगा और 30 जनवरी को मतदान होगा व 2 फरवरी को मतगणना होगी। उन्होंने कहा, पूरा नामांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नामांकन करने आए प्रत्याशियों एवं अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, ले लीजिए, रुक जाओ, आइडिया निकाल ले। इसलिए 12 तारीख को प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी ये अधूरा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो ये सब अधूरा है और इसलिए इसको कल नोटरी हर पेज नोटरीज होता है, ऐसा नहीं मत करिए भाई। ठीक है, नोटराइज होता हर पेज होता है। डॉक्टर शिव मोहन सिंह, सर आपने चुनाव के लिए नामांकन किया, हम मेनली योग्यता और शिक्षा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव, जिसमें ग्रेजुएट का रिप्रेजेंटेशन होना है शिक्षित लोगों के लिए, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना है, तो हायर एजुकेशन और स्कूल में हर क्षेत्र में अच्छा प्रगति हो, उसी वही मेन मुद्दा है हमारा। स्नातक वर्ग है जो अभी बेरोजगार, उनके लिए जो भी हो सकता है वो होना चाहिए। उन लोगों को बेरोजगार हैं तो या तो उनको नौकरी मिले या सरकारी मिले या प्राइवेट मिले, या उनके लिए स्वतः रोजगार के लिए ज़्यादा संभावना बढ़े, लोग अपना बिजनेस कर सकें। मैं गोंडा जनपद से आया हूँ, वहाँ पे नवाबगंज के पास मेरा गांव है अशोकपुर, और मैंने पढ़ाई इंग्लैंड में किया है, मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी,
उसके बाद जर्मनी में पीएचडी किया है स्टेम सेल्स एंड कैंसर बायोलॉजी में, फिर यूएसए में और इंग्लैंड में और जर्मनी में काम किया है। उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया देश की सेवा करने के लिए। इसी पर्पज़ से आया हूँ कि जो भी मैं बाहर सीखा हूँ विदेश में वो यहाँ आके यहाँ के मेडिकल कम्युनिटी, बायोटेक मेडिकल कम्युनिटी, कैंसर बायोलॉजी और इस सब फील्ड में जो भी सीखा है नई टेक्निक्स वो यहाँ लोगों को हम नॉलेज ट्रांसफ़र करें, अपना उनको पढ़ाएँ सिखाएँ। सत श्री अकाल जी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? शिक्षा क्या रहेगा, स्नातक वर्ग, शिक्षा, विकास। ऐसे टीचर है जो कम वेतन पे अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, पहला काम रोजगारी का वो करेंगे, शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, देश का विकास हो। चुनाव के लिए नामांकन चल रहा था, कितने प्रत्याशी? आज 10 तारीख को जो है एक प्रत्याशी ने जो है फार्म लिया है, इसके अलावा आज जो है 7 प्रत्याशियों ने जो है अपने नामांकन यहाँ दाखिल किए हैं, जिसमें शशिकला, अविनाश प्रताप, करुणाकांत, रजनीश पटेल, दिलीप कुमार गौतम, सिमोहन सिंह, अवंतिका मिश्रा। इसमें करुणाकांत जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब तक जो है 11 प्रत्याशियों ने 15 नामांकन किए गए, टोटल फार्म जो है अभी तक जो है 32 लोगों ने लिया। सर आगे क्या प्रक्रिया? भी पहले 12 तारीख तक नामांकन पूरा हो जाए, उसके बाद इनका मतपत्र का बनाया जाता है 13 तारीख को के बाद जो है, और उसके बाद जो है 30 तारीख को जो है 16 जनवरी को नाम वापसी का तिथि है, और उसके बाद 30 जनवरी को चुनाव होगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। देर शाम अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को जनता दरबार के उपरांत दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट जी के गुप्ता एवं दिवंगत संतराज गोरखपुरी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग ग्रुप बनाकर हथियार खरीदने बेचने वाले 3 अभियुक्तों जय हिंद मेहताब उर्फ नायक खान और मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ मच्छर उर्फ छोटे को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल किया बरामद। सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस, जल्द होगा बड़ा खुलासा। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में बढ़ते ठंड व शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने LKG से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद करने का दिया निर्देश। पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल व प्री बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक विद्यालय। DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने दी जानकारी। बुधवार को प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा गोरखपुर महोत्सव का होगा शुभारंभ। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बॉलीवुड नाइट में शमा बांधेंगे कैलाश खेर व सोनू निगम। 90% स्थानीय कलाकारों को दिया गया है मौका। ZDA उपाध्यक्ष गोरखपुर महोत्सव समिति के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ADG जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए आतंकी हमलों से निपटने के लिए ATS के साथ किया अभ्यास। SP सिटी ने कहा खिचड़ी मेला करवाया जाएगा सकुशल संपन्न। 5 QRT टीम PAC व बाहरी जिलों के फोर्स की भी लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 5वें दिन 7 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर किया नामांकन। 1 ने लिया पर्चा, अभी तक 32 प्रत्याशियों ने लिया है पर्चा। 11 प्रत्याशियों ने 15 सेट में किया नामांकन। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्चों की जाँच। 16 जनवरी को होगा नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा मल्टी लेवल सिक्योरिटी का किया गया है अरेंजमेंट। 2 एडिशनल SP, 5 CO, 24 इंस्पेक्टर, 70 दरोगा, 200 सिपाही, 1 कंपनी PAC की लगाई गई है ड्यूटी। ड्रोन कैमरे से पूरे महोत्सव की होगी निगरानी। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी।
महोत्सव में आने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। एक 1024 जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत लगवाया गया सीसीटीवी कैमरा, आगे भी कैमरा लगाने का अभियान है जारी। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय हाफ मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में रंजीत कुमार पचेल गोरखपुर एवं महिला वर्ग में कुमारी तामसी सिंह मिर्जापुर बने विजेता। दिव्यांगजन ट्राई साइकिल रेस में राकेश कुमार बने विजेता। मंगलवार को भी जनपद में सड़कों पर बनी हुई है शीतलहर व ठंड। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा 12 जनवरी तक ऐसे ही बना रहेगा ठंड। जिला प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों में वितरित किया जा रहा है कंबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर महोत्सव में नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा मल्टी लेवल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विष्णु ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर के कैलेंडर में एक बड़ा इवेंट है। वहां पर 50,000 से 60,000 लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसको देखते हुए एक मल्टी लेवल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें 2 एडिशनल एसपी, 5 सीओ, 24 इंस्पेक्टर, 70 दरोगा, 200 सिपाही, 1 कंपनी पीएसी को लगाया जाएगा, जिससे कि गोरखपुर महोत्सव में आने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्या ना हो। उन्होंने बताया कि पैडलीगंज से कोई भी व्यक्ति एक लाइन में गोरखपुर महोत्सव स्थल पर आसानी से जा पाएगा और अमर उजाला चौराहे की तरफ से बाहर निकल जाएगा। महोत्सव में आने वाले नागरिकों के वाहनों की पार्किंग के लिए 5 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी नागरिक अपने वाहन को पार्किंग स्थल में ही खड़ा करेंगे, जिससे कि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना होने पाए। पुलिस व प्रशासन नागरिकों की सेवा में हमेशा तत्पर है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक प्रयास करें कि छोटे वाहनों का प्रयोग करें, क्योंकि गोरखपुर महोत्सव स्थल पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रहती है और बड़े वाहनों को आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। छोटे वाहन होने से नागरिक महोत्सव स्थल तक आसानी से पहुँच सकेंगे। महोत्सव स्थल पर ठंड को देखते हुए अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी नागरिक को ठंड से किसी तरह की समस्या ना हो। इसके अलावा पूरे महोत्सव की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विष्णोई ने कहा। गोरखपुर महोत्सव जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है गोरखपुर के कैलेंडर में, उसमें कम से कम 50,000 से 60,000 के करीबन लोगों के आने की संभावना है प्रतिदिन। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें कई एडिशनल एसपी, करीबन 5 सीओ और 2 दर्जन इंस्पेक्टर और उससे भी ज़्यादा के करीबन 70 के करीबन सब इंस्पेक्टर, 200 के करीबन कांस्टेबल और 1 कंपनी पीएसी, इस तरह की फोर्स लगा के ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। इसी को ध्यान रखते हुए पैडलीगंज से जाने वाले लोग एक लेन में जा पाएंगे और एग्जिट सबका अमर उजाला चौराहे की तरफ से होगा। 5 पार्किंग आइडेंटिफाई की गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के माध्यम से यह संदेश आमजन तक पहुंचेगा और सभी लोग इन्हीं निर्देशों का अनुपालन करते हुए वहां तक पहुंचेंगे और पुलिस और प्रशासन आप सभी लोगों की सेवा में हमेशा सदैव की तरह तत्पर रहेगा। दर्शकों को मेरा यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप छोटे से छोटे वाहन, 2-व्हीलर या इस तरीके के वाहन पर आएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पास महोत्सव के पास में तक पहुँच सकेंगे। और उसके साथ साथ काफ़ी ठंड है,
ठंड के भी पूर्ण इंतजाम करते हुए आप जरूर आएँ। गोरखपुर महोत्सव आयोजन समिति द्वारा जरूर अलाव वगैरह सबकी व्यवस्था की गई है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में मैं सभी लोगों से ये जरूर उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जरूर अपील करूँगा कि इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू। बिल्कुल, हर बड़े कार्यक्रम में, चाहे वो खिचड़ी मेले का आयोजन हो, चाहे वो ड्रोन गोरखपुर महोत्सव हो, इन सभी के अंदर इसकी जो है व्यवस्था की गई है। थैंक यू। गोरखपुर महोत्सव में आने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पैदलीगंज चौराहे से आने वाले वाहन नौकायन होते हुए हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास से दो पहिया, चार पहिया, तीन पहिया का मार्ग परिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास जाने वाले वाहन नौकायन होते हुए पैदलीगंज दो पहिया, चार पहिया, तीन पहिया का मार्ग परिवर्तित है, वह सभी अमर उजाला तिराहा होकर जाएंगे। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि वाटर पार्क एवं चिड़ियाघर, रॉयल मैरिज गार्डन, वाटर पार्क, चंपा देवी पार्क आदि में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में 11, 12 और 13 यानी कि कल से लेकर 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव को देखने के लिए, इसमें प्रतिभाग करने के लिए दर्शक और गणमान्य व्यक्ति काफ़ी संख्या में आएंगे। इसको देखते हुए कल दिनांक 12 बजे से 13 तक यानी कि सुबह को 12 बजे से लेकर प्रतिदिन शाम को कार्यक्रम समाप्ति तक, जो कि 11 या 12 बजे तक होगा, समापन तक पैदलीगंज की तरफ से नौकायन की तरफ जाने वाला आम यातायात प्रतिबंधित रहेगा। केवल महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले और देखने वाले लोग ही रहेंगे। इसी प्रकार नौकायन की तरफ जो ट्रांसफार्मर चौराहा है, ट्रांसफार्मर चौराहा से पैदलीगंज की तरफ भी रामगढ़ताल रोड पे आम यातायात प्रतिबंधित रहेगा। केवल देखने वाले दर्शक लोग जाएंगे और ऑटो और ई रिक्शा का इस रोड पर संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस दौरान वहां पर जो भाग लेने के लिए लोग आएंगे, उनके सबके पार्किंग की व्यवस्था, वीआईपी पार्किंग की व्यवस्था चंपा देवी पार्क के ठीक सामने जो वाटर पार्क है उसके मुख्य द्वार के अंदर की गई है, दाएं और बाएं, और शेष फोर व्हीलर्स की पार्किंग वाटर पार्क का ही मैरिज हॉल है, रॉयल मैरिज गार्डन, इसमें फोर व्हीलर की पार्किंग की गई है, और टू व्हीलर की पार्किंग वाटर पार्क की कैंटीन के सामने खाली पड़ा मैदान है जो बिल्कुल नौकायन रोड से अटैच होता है, वहां पर इनके पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो लोग इसमें प्रतिभाग करने के लिए आएंगे वो चंपा देवी पार्क पर टर्न न लेके चंपा देवी पार्क से 100 मीटर और आगे जाएंगे, उसके बाद यू टर्न लेकर आएंगे और अपने बाएं पार्किंग में अपने वाहन के लिए खड़ा करेंगे। आने वालों को कोई असुविधा ना हो, उनकी सहूलियत के लिए ये पार्किंग प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्लान जारी किया गया है। सभी से सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद। ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1024 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से कैमरा लगाया जा रहा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 231 स्थानों पर 1024 कैमरा लगाया जा चुका है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत काफी सफलता मिली है, जिससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। इससे अपराध पर भी काफी नियंत्रण लगा है और निर्दोष व्यक्ति जेल जाने से बच गया है। गांव में कैमरा लगने से अपराधी डर रहे हैं कि वह अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को कोई झूठे मुकदमे में बताता है तो सीसीटीवी कैमरे से वह बच जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर चौराहे पर 4 कैमरा लगाया जाए। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 5000 कैमरा लगाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ऑपरेशन त्रिनेत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी तक 231 स्थानों पर
1000 से लगभग अधिक कैमरे लगाए जा चुके हैं, लगभग 1024 कैमरे लगाए जा चुके हैं। हर स्तर पर जनरली 4 कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो इससे काफ़ी सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में मिली अपहसन त्रिनेत के तहत, और इससे काफ़ी लोगों को भी फायदा हो रहा है, काफ़ी अपराध को नियंत्रण करने में काफ़ी इससे अहम भूमिका इसकी रही है, और इससे लोगों को भी एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिल रहा है कि अपराधी भी डर रहे हैं कि शायद वो अगर अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और इसके अलावा कोई निरअपराध है वो भी बच रहा है, कोई निरअपराध को भी इससे फायदा हो रहा है कि उसका किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है तो उस तरह के झूठे मुकदमे में फंसाए जाने से बचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये अभियान अभी जारी रहेगा। हम लोग का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के कम से कम एक चौराहे पे कैमरा लगाया, तो हम लोग इसको और इसको विस्तृत रूप दे रहे हैं। फर्स्ट फेज में लगभग 317 स्थानों को हमने चयन किया था, पर अगले जो फेज है उसमें कम से कम 1000 स्थलों पे हम लोग नेक्स्ट फेज में विस्तार करेंगे, और लगभग 1000 स्थलों पे जो है कैमरे को लगवाया जाएगा, लगभग 5000 से अधिक कैमरा गोरखपुर में लगाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में 10 जनवरी को राज्य स्तरीय हाफ मैराथन दौड़ पुरुष महिला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 200 पुरुष एवं महिला धावकों ने भाग लिया। जिला स्तरीय दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल रेस बालक वर्ग में दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14 प्रतिभागी ने भाग लिया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों में राकेश कुमार विजेता, देवेंद्र कुमार शर्मा उप विजेता और बनारसी लाल तीसरे स्थान पर रहे। श्री भगवंत कुमार को भगवंत कुमार जी का सर्टिफिकेट। विष्णुगौन दुर्गेश दुर्गेश गुप्ता दुर्गेश गुप्ता रितेश गुप्ता ये क्रीड़ा महोत्सव के अलग दिव्यांगजन को हम लोग उनको प्रेरित विकसित करना समाज का एक अभिन्न है। जनता मंत्रालय पचहत्तर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग को प्रदान और उसी इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। जनपद में मंगलवार को भी ठंड व शीतलहर लगातार सड़कों पर बना हुआ है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से शीतलहर अभी चल रहा है 12 जनवरी तक इसी तरह से स्थिति अभी बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर अभी और कुछ दिनों तक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो पूर्वोत्तर के जनपद है, खास तौर से नेपाल बॉर्डर से सटे जो जनपद है या सभी रेड जोन में है, वहां पर शीतलहर की संभावना बनी रहेगी। यहाँ अधिक घना कोहरा रहने की संभावना बनेगी। अभी 12 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा। जो लोग बाहर से खिचड़ी मेले में आ रहे हैं, उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जो गोरखनाथ मंदिर रेलवे स्टेशन के निकट बनाया गया है, वहां पर रुककर अपने आप को शीतलहर से बचा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसमें कार्य किए जा रहे हैं। 45,000 से अधिक जिला प्रशासन द्वारा कम्बल लोगों में वितरण किया जा चुका है। वही नगर निगम द्वारा भी कम्बल वितरित किए गए हैं और नगर पंचायतों द्वारा भी कम्बल वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि सारे संगठन हैं जो कि असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं और लगातार बेसहारा और असहाय लोगों की मदद की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा।
जी, मेरा नाम है विरोध गुप्ता। ठंड काफी बढ़ गई है सर, किस प्रकार की समस्या हो रही है? ठंड से बहुत सारी समस्या है, जैसे कि क्या बोलते हैं, ठंड से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कांप रहे हैं, ठीक है। और जो शीतलहर की जो स्थिति बनी हुई है, ये अगले 12 तारीख तक इसी तरह बने रहने की संभावना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार है। अभी शीतलहर कुछ दिनों तक और बनी रहेगी, 12 तारीख तक का उन्होंने पूर्वानुमान उपलब्ध कराया है, जिसके अनुसार जो ये पूर्वोत्तर के जो जनपद हैं, जो खासतौर से नेपाल बॉर्डर से सटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सभी रेड जोन में हैं, तो इसलिए शीतलहर की संभावनाएं इधर बनी रहेंगी। कोल्ड डेज बना रहेगा और डेंस फॉग रहेगा, डेंस टू वेरी डेंस रहेगा, यानी घने से अधिक घना कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो अभी ये मौसम जो है वो अगले 12 तारीख तक इसी प्रकार शीतलहर बनी रहेगी। मैं जो भी लोग बाहर से खिचड़ी मेला पर्व पे आ रहे हैं, मकर संक्रांति पर्व पे बाहर से आ रहे हैं, यदि उन्हें ठहरने की कोई आवश्यकता है तो वो हम लोग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन के निकट और गोरखनाथ मंदिर के निकट स्थापित हैं, वहाँ पे वो आश्रय ले सकते हैं और अपने आप को शीतलहर से बचा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है, नियर अबाउट 47,000 प्लस, यानी 47,000 से अधिक कंबल जिला प्रशासन द्वारा वितरित किए गए हैं, नगर निगम द्वारा भी कंबल वितरित किए जा रहे हैं, नगर पंचायतों द्वारा भी कंबल वितरित किए जा रहे हैं, बहुत से स्वयंसेवी संगठन हैं जो आगे आकर के इस पर कार्य कर रही हैं, वो भी कंबल वितरित कर रही हैं। तो ये प्रयास है कि जो भी शीतलहर से प्रभावित व्यक्ति हैं या जो भी जिनकी जो भी आवश्यकता है उन तक कंबल पहुंचे, अलाव की भी समुचित व्यवस्थाएं की गई है जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो इस प्रकार जो शीतलहर के दृष्टिगत जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देर शाम अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को जनता दरबार के उपरांत दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट जी के गुप्ता एवं दिवंगत संतराज गोरखपुरी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग ग्रुप बनाकर हथियार खरीदने बेचने वाले तीन अभियुक्तों जय हिंद मेहताब उर्फ नायक खान और मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ मच्छर उर्फ छोटे को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल किया बरामद। सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस, जल्द होगा बड़ा खुलासा। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में बढ़ते ठंड व शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने LKG से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद करने का दिया निर्देश। पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल व प्री बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक विद्यालय। DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने दी जानकारी। बुधवार को प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा गोरखपुर महोत्सव का होगा शुभारंभ। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बॉलीवुड नाइट में शमा बांधेंगे कैलाश खेर व सोनू निगम। 90% स्थानीय कलाकारों को दिया गया है मौका। ZDA उपाध्यक्ष गोरखपुर महोत्सव समिति के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ADG जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए आतंकी हमलों से निपटने के लिए ATS के साथ किया अभ्यास। SP सिटी ने कहा खिचड़ी मेला करवाया जाएगा सकुशल संपन्न। 5 QRT टीम, PAC व बाहरी जिलों के फोर्स की भी लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 5वें दिन 7 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर किया नामांकन। 1 ने लिया पर्चा, अभी तक 32 प्रत्याशियों ने लिया है पर्चा। 11 प्रत्याशियों ने 15 सेट में किया नामांकन। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्चों की जांच। 16 जनवरी को होगा नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी।
गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा मल्टी लेवल सिक्योरिटी का किया गया है अरेंजमेंट। 2 एडिशनल SP, 5 CO, 24 इंस्पेक्टर, 70 दरोगा, 200 सिपाही, 1 कंपनी PSC की लगाई गई है ड्यूटी। ड्रोन कैमरे से पूरे महोत्सव की होगी निगरानी। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव में आने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। एक 1024 जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगवाया गया CCTV कैमरा। आगे भी कैमरा लगाने का अभियान है जारी। DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय हाफ मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में रंजीत कुमार पचेल गोरखपुर एवं महिला वर्ग में कुमारी तामसी सिंह मिर्जापुर बनी विजेता। दिव्यांगजन ट्राई साइकिल रेस में राकेश कुमार बने विजेता। मंगलवार को भी जनपद में सड़कों पर बनी हुई है शीतलहर व ठंड। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा 12 जनवरी तक ऐसे ही बना रहेगा ठंड। जिला प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों में वितरित किया जा रहा है कंबल। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।